हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम आर फर्स्ट ग्रेड जीके में एजुकेशन मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के आपके सामने 28 क्वेश्चन रख रहे हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़ेगा और याद रखेगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले थ्योरी को याद कीजिए थ्योरी को पढ़िए एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको पढ़िए फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ तो पहले आप उसको थ्योरी को पढ़िए अगर नहीं पढ़ी है तो फिर उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करिए तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और इसके अट्ठाइस क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित होता है जो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम होता है वो किसके नियंत्रण में संचालित होता है आपके सामने ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय पंचायती राज निदेशालय और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद तो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम जो होता है वो पंचायती राज निदेशालय के नियंत्रण में संचालित होता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है तीसरा ऑप्शन राइट है पंचायती राज निदेशालय के नियंत्रण में तो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम संचालित होता है फिर आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से रखी गई थी सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी जिसके कारण राजस्थान में एजुकेशन मैनेजमेंट की नींव रखी गई थी ऑप्शन है आयुक्तालय निदेशालय उप निदेशालय या उपरोक्त सभी तो सबसे पहले राजस्थान में निदेशालय की स्थापना हुई थी 1950 में और उसके बाद राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव रखी गई थी तो किसकी स्थापना से राजस्थान में निदेशालय की स्थापना से शैक्षिक प्रबंधन की नींव रखी गई थी फिर आता है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान में कितने मंडल बनाए गए हैं वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान में कितने मंडल बनाए गए हैं तो आपके सामने ऑप्शन है सात आठ नौ या दस तो सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान में सात मंडल थे और अभी वर्तमान में दो मंडल नए बने हैं पाली और बीकानेर तो वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान में नौ मंडल बनाए गए हैं अब आता है वर्तमान में राजस्थान में कौन से नए शैक्षिक मंडल बनाए गए हैं पहले सात है आपको बताया और दो नए बने हैं पाली और बीकानेर तो अब टोटल मंडल की संख्या कितनी हो गई है शैक्षिक मंडल की नौ हो गई हैं तो वर्तमान में राजस्थान में पाली और बीकानेर दो नए मंडल बनाए गए हैं फिर आता है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो आप याद रखिएगा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी और इसी की वजह से राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव रखी गई थी अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब से प्रारंभ किया था तो सबसे पहले तो 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई थी और ये साथ साथ कार्य करते थे लेकिन उन्नीस से एक जनवरी उन्नीस से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग हो गए और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है उन्नीस सौ में, में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग हो गए थे तो उन्नीस से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है निम्न में से माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्था नहीं है या है निम्न में से माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्था कौन सी है तो पहला ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एस फिर आता है राजस्थान मदरसा बोर्ड फिर आता है आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और फिर है आपके सामने राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड तो ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो आप थ्योरी पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ी है तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्था कौन सी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड संस्था है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है तीसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान फिर आता है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो होती हैं उसके पद पर कौन से स्तर का अधिकारी होता है पंजीयक शिक्षा विभागीय बीकानेर जो परीक्षा आयोजित कराता है उस पद पर कौन से स्तर का अधिकारी होता है आपके सामने ऑप्शन है अतिरिक्त निदेशक जिला शिक्षा अधिकारी वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा उप निदेशक तो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जो होती हैं उसके पद पर उप निदेशक अधिकारी नियुक्त होता है फिर आता है आपके सामने पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा निम्न में से किस परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है जो पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएँ आयोजित कराता है उसके द्वारा कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा संगीत भूषण परीक्षा संगीत प्रभाकर परीक्षा और बी परीक्षा तो पंजीय शिक्षा विभाग जो है वो बी परीक्षा का आयोजन नहीं कराता है जबकि एस की परीक्षा का आयोजन ये कराता है तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा बी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है उच्च माध्यमिक स्तर की मतलब बारहवीं तक की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोटा खुला विश्वविद्यालय राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो अपने गवर्नमेंट है ये तो अपने नॉर्मल जो अपने शिक्षा होती है वो रिलेटेड उपलब्ध करवाता है फिर आता है कोटा खुला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से रिलेटेड शिक्षा उपलब्ध करवाता है फिर आता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल तो यह दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है तो आपको सीधा ऑप्शन पता है आपको अभी बताया था कोटा खुला विश्वविद्यालय राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला प्रमुख विश्वविद्यालय है अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाए उसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था आपके सामने ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग वुड घोषणा पत्र और शिक्षा आयोग तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए कौन सी नीति अपनाई जाए इसके लिए सुझाव किसने दिया था वुड घोषणा पत्र अठारह में दिया गया था अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है नया शिक्षक नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है नया शिक्षक नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा यह था माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सूचना और जनसंपर्क निदेशालय द्वारा और एस द्वारा तो आप याद रखिएगा नया शिक्षा नामक पत्रिका जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है बोर्ड में कन्फ्यूजन मत होना माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा नया शिक्षक नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है अगला क्वेश्चन आपके सामने है वर्तमान में सर्वाधिक जिले वाला शैक्षिक संभाग या मंडल कौन सा है वर्तमान में सर्वाधिक जिले वाला शैक्षिक संभाग कौन से शैक्षिक संभाग में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग या मंडल कौन सा है तो उदयपुर संभाग जो है इसमें सर्वाधिक शैक्षिक मंडल है याद रखेगा उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मंडल है और यह सर्वाधिक जिले वाला शैक्षिक संभाग या मंडल है उदयपुर संभाग अगला आता है आपके सामने बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग कौन सा नहीं है एक तो अपन नॉर्मली कहते हैं कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं हनुमानगढ़ चूरू गंगानगर और बीकानेर लेकिन ये पूछ रहा है बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है शैक्षिक संभाग पूछ रहा है तो आपके सामने ऑप्शन है हनुमानगढ़ चूरू गंगानगर या उपरोक्त सभी तो बीकानेर शैक्षिक संभाग में आएंगे बीकानेर हनुमानगढ़ और गंगानगर जबकि बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग कौन सा नहीं है चूरू तो आप याद रखिएगा बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है चूरू अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है सचिवालय जो होता है उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है ऑप्शन है आपके सामने मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव तो सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुखिया होता है प्रमुख शासन सचिव अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है सरकार और शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना कौन सी संस्था का दायित्व है सरकार और शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं उनके मध्य संपर्क स्थापित करके जो एजुकेशन से रिलेटेड नीतियां होती हैं उनके पालन करवाने या उनको सुनिश्चित करवाने का दायित्व कौन सी संस्था का है? तो आपके सामने ऑप्शन है निदेशालय का है सचिवालय का है उप का है या आयुक्तालय का है तो आपके इसमें कौन सा आंसर राइट होगा निदेशालय का दायित्व है सरकार और शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करवाना और शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करवाना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप इसको याद रखिएगा कि किस दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई लेकिन पेत्रक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया है। तो आप ये याद रखिएगा कौन से दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई लेकिन पेत्रक विभाग जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया तो आपके सामने ऑप्शन है दो अक्टूबर उन्नीस सौ दो अक्टूबर दो हजार नौ दो अक्टूबर दो हजार दस और दो अक्टूबर दो हजार ग्यारह तो इसमें कौन सा राइट होगा दो अक्टूबर दो हजार दस को संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई आप इसमें कंफ्यूज ऐसे होते हो कि पंचायती राज दे रखा है तो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन दिमाग में ये आता है कि दो अक्टूबर उन्नीस लेकिन इस दिन राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर में बगदरी गाँव में लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित स्थानांतरित कर दी गई तो दो अक्टूबर दो को प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई थी अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है निदेशालय के प्रबंधन में संगठन का पदानुक्रम क्या है इनके पदों का सबसे पहले अवरोही क्रम क्या है आपके सामने ऑप्शन है निदेशक डी अतिरिक्त निदेशक संयुक्त निदेशक या उप निदेशक इनको आपको अवरोही क्रम में जमाना है तो सबसे पहले आएगा अपने निदेशक फिर आएगा अपने इसके बाद अतिरिक्त निदेशक फिर इसके बाद आएगा संयुक्त निदेशक फिर इसके बाद आएगा उप निदेशक और फिर इसके बाद आएगा डी तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन राइट है एक तीन चार पाँच दो सबसे पहले आता है अपने निदेशक फिर आएगा अतिरिक्त निदेशक फिर आएगा संयुक्त निदेशक फिर आएगा उप निदेशक और फिर आएगा डी ई ओ ये आपको थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा आप प्ले लिस्ट में जाके एजुकेशन मैनेजमेंट में पढ़ सकते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करेगा तो आपको याद रहेंगे आप भूलोगे नहीं फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है यह आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ आप पढ़ोगे थ्योरी तभी आपको समझ में आएगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है एस उदयपुर पंजेक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर सतत और साक्षरता शिक्षा जयपुर और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर तो इसमें आंसर होगा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर ये अलग ही विभाग हैं जो कि पाठ्य पुस्तक मंडल को प्रिंट करने का कार्य करता है अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं है एक तो होती है राजकीय संस्थाएं और एक होती है स्वायत्त शासी संस्थाएं तो आप थ्योरी पढ़ो आपको समझ में आएगा उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था कौन सी नहीं है आपके सामने ऑप्शन है एस आई आर टी उदयपुर दूसरा ऑप्शन है आर एस सी ई जयपुर फिर इसके बाद है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर फिर इसके बाद आपके सामने ऑप्शन है आर एस टी बी जयपुर तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है एस आई आर टी उदयपुर फिर इसकी यह राजकीय संस्था है तो आप थ्योरी पढ़ो आपको उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो आपको सब समझ में आ जाएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने एस आई आर टी उदयपुर का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है एस आई आर टी शैक्षिक अनुसंधान का कार्य भी करती हैं पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य भी करती हैं अकादमिक निर्देशन भी करती हैं लेकिन सेवा पूर्व प्रशिक्षण नहीं देती हैं ये सेवा कालीन प्रशिक्षण देती हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है सेवा पूर्व प्रशिक्षण अगला आपके सामने क्वेश्चन है शिक्षा विभाग राजस्थान के जो महत्वपूर्ण आदेश होते हैं वो किसमें प्रकाशित होते हैं तो शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश सीवीरा पत्रिका में प्रकाशित होते हैं या सीवीरा में प्रकाशित होते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब की गई थी राजस्थान शिक्षा विभाग या शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब की गई थी तो उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में या 2004 में तो राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना जो है वो उन्नीस में की गई थी अब आता है माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्थाएं है नहीं हैं एक तो होती है राजकीय संस्थाएं एक होती है स्वायत्त शासित संस्थाएं जो निजी क्षेत्र पर कार्य करती हैं तो आप थ्योरी पढ़ो आपको सब समझ में आएगा आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर दूसरा है भारत स्काउट व गाइड जयपुर तीसरा है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर और चौथा है आर सी एस ई जयपुर तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्था कौन सी नहीं है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इसमें तीसरा ऑप्शन रे राइट है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासन संस्था नहीं है फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता तथा कर्मोन्नत किसके द्वारा किया जाता है जो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है तथा उनको प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में कर्मोन्नत किसके द्वारा किया जाता है आपके ऑप्शन है डीईओ ईओ कार्यालय बीईओ कार्यालय निदेशालय या उप निदेशालय तो आप याद रखिएगा निदेशालय द्वारा प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है तथा उन्हें कर्मोन्नत किया जाता है अगला क्वेश्चन है, है आपके सामने राज्य शिक्षा संस्थान एस आई ई कहाँ पर स्थित हैं जयपुर में अजमेर में बीकानेर में या उदयपुर में तो राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित हैं जयपुर में स्थित हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने शिविर का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा या उपरोक्त दोनों या फिर शिक्षा विभागीय परीक्षाओं द्वारा तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा सीवीरा का जो प्रकाशन है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा किया जाता है या आपके क्वेश्चन होंगे शिक्ष राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के आपके एजुकेशन मैनेजमेंट के दूसरा टॉपिक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत